friends, myself Ashok Mina, and you are watching Biology Booster YouTube channel. Today we are here to discuss the biology which is related to school level, that is 12th standard. So 12th standard की जो biology है उसे हम discuss करेंगे. सबसे पहले कुछ basic चीजें मैं आपको बता दूं कि स्कूल लेवल का जो बायो होता है वो हर लेवल पे इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसमें ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका 10th बोर्ड एंड 12th बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी. इसके अलावा 11th और 12th अपने इम्पोर्टेंस रखते हैं नीट एग्जाम के लिए, और इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो 6th टू 12th का आपको एनसीईआरटी अच्छे से आना चाहिए. तो यहाँ पे हम बात करते हैं 12th लेवल पे जो बायोलॉजी है वो इस तरीके से हम एक एक यूनिट करके डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है. सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट, दैट इज रिप्रोडक्शन. रिप्रोडक्शन इस यूनिट में कितना वेटेज है, कितने क्वेश्चन आते हैं, क्या है ये, इसके लिए मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा. फर्स्ट जो चीजें हैं उसको समझते हैं. इसमें चार चैप्टर है. फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेकंड चैप्टर इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, थर्ड चैप्टर इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, एंड फोर्थ एंड लास्ट चैप्टर इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ. ये दो चैप्टर यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड ह्यूमन रिप्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंस रखते हैं, ठीक है. तो चलिए शुरू करते हैं. फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. देखिए चैप्टर वन, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स. रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, देखिए सबसे पहली बात इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एक चीज आप याद रखिए, आप एक बार एनसीईआरटी पूरा पढ़ लीजिए अपने लेवल पे, और उसके बाद इस वीडियो को आप देखेंगे तो उस एनसीईआरटी को शॉर्ट में कैसे समेटा जाए वो मैं यहाँ पे अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा कि शॉर्ट में वो एनसीईआरटी पूरा रिवाइज कर पाए. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर में क्या है. सबसे पहला पॉइंट है लाइफ स्पैन, सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट या सेकंड टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है रिप्रोडक्शन या असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. थर्ड टॉपिक जो है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब टॉपिक्स हैं बहुत सारे. क्या सब टॉपिक्स हैं देखिए, सबसे पहला सब टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जुबेनाइल फेज, सेकेंड सब टॉपिक रिप्रोडक्टिव फेज, थर्ड सब टॉपिक सेनिसेंट फेज. सेनिसेंट फेज ये क्या है इनके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा. फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर को कवर करता है वो है रिप्रोडक्शन, या ऐसे आप लिखें इसे इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन, ऐसे लिखें इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन. अब देखिए इवेंट्स इन रिप्रोडक्शन क्या है, इसके सब टॉपिक्स लेते हैं. सबसे पहला है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सेकेंड टॉपिक इसमें है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन. थर्ड एंड लास्ट टॉपिक जो इसमें है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है. ये इस तरीके से है. तो ये पूरा ओवरव्यू है इस चैप्टर का. सबसे पहले लाइफ स्पैन की बात करेंगे, फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इसके मोड क्या है, ये सारी बातें.
इसके बाद हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे और उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जुवेनाइल फेज क्या होता है, रिप्रोडक्टिव फेज क्या है, सेंसेंट फेज क्या है, फिर इवेंट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, प्लांट्स एनिमल दोनों में कॉमन वे में हम रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइफ स्पैन की। देखिए देखिए लाइफ स्पैन क्या होता है, लाइफ स्पैन मतलब द पीरियड ऑफ बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जन्म से नेचुरल जो मृत्यु हुई है उसके बीच का जो टाइम है, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, जन्म से नेचुरल डेथ के बीच का लाइफ स्पैन है, बीच का जो टाइम पीरियड है उसे हम कहते हैं लाइफ स्पैन ऑफ अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। ये लाइफ स्पैन वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी, किसी स्पीशी का ज्यादा भी हो सकता है, किसी स्पीशी का कम भी हो सकता है। लाइफ स्पैन कभी भी साइज और कॉम्प्लेक्सिटी पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर साइज ज्यादा है तो लाइफ स्पैन ज्यादा होगा, साइज कम है तो लाइफ स्पैन कम होगा किसी का, ठीक है। ये वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी, तो ये चीजें आप समझ पाए होंगे, इन्हीं चीजों को मैं लिख देता हूं, आप देखिए। देखिए लाइफ स्पैन क्या है, द पीरियड फ्रॉम नेचुरल या द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड इट्स लाइफ स्पैन, उसकी लाइफ स्पैन है, ठीक है। लाइफ स्पैन या इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी, यानी कि जो ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स है या किसी का साइज बड़ा है छोटा है तो उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ लाइफ स्पैन मैं आपको बताता हूं, जैसे लाइफ स्पैन पैरेट का, जो लाइफ स्पैन है पैरेट का लाइफ स्पैन अराउंड होता है 140 इयर्स। वहीं अगर आप देखें एलिफेंट को, तो एलिफेंट बहुत बड़ा है पैरेट से, लेकिन एलिफेंट का लाइफ स्पैन होता है 60-90 इयर्स, ठीक है। अगर आप बात करें रोज की, तो रोज का लाइफ स्पैन होता है 5-7 इयर्स। वहीं अगर आप बात करें क्रोकोडाइल की, तो क्रोकोडाइल का जो लाइफ स्पैन होता है वो है आपका 60 इयर्स। तो ये डिपेंड करता है स्पीशी क्या और उसके हिसाब से वेरी करता है। इसमें बहुत सारे एग्जांपल आपको एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, आप उन्हें एक बार पढ़ लीजिए, एक एक लाइन आपको क्लियर होनी चाहिए अगर आप किसी अच्छे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो, ठीक है। ये इस तरीके से है। चलिए इसके बाद सेकेंड जो टॉपिक है वो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हम ये समझते हैं कि रिप्रोडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन दिमाग में आता है, एक बेसिक सा क्वेश्चन कि रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है, क्वेश्चन ये है व्हाट इज रिप्रोडक्शन, सीधी सी बात है। तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू यंग वन ऑफ इट्स सेम काइंड, यानी कि अपने जैसा एक ऑफस्प्रिंग क्रिएट करता है। ऑफस्प्रिंग मतलब होता है संतान हिंदी में, तो अपने एक संतान क्रिएट कर पाने की जो एबिलिटी है उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। एक बात आप याद रखिए, अगर आप बोर्ड एग्जाम में बैठने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर 2018 में, तो डेफिनेशन अगर आपको मार्क्स ज्यादा लाने हैं तो डेफिनेशन एग्जैक्टली आप जो एनसीईआरटी में दिया हुआ वही लिखें। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेनेशन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं कुछ भी, ठीक है। ये इस तरीके से है। तो व्हाट इज रिप्रोडक्शन, देखिए रिप्रोडक्शन क्या है, इसको अगर हम बात करें, इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू एन ऑफस्प्रिंग
of its own kind, यानी कि उसी के जैसे offspring, offspring मतलब संतान क्रिएट करने को, अपने जैसे एक offspring क्रिएट करने को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब देखिए रिप्रोडक्शन जो होता है, ठीक है, रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का है, दो तरीके का है। कैसे, एक तो है इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा है इसमें आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जिसे हिंदी में लैंगिक प्रजनन और अलैंगिक प्रजनन भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है, इसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कई लोग ऐसे समझते हैं कि एक सिंगल सेलर में होगा हमेशा, नहीं, इसके एक्सेप्शन है, तो ये गलत है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व हो और एक पेरेंट से एक नई ऑफस्प्रिंग क्रिएट हुई है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो रिप्रोडक्शन होता है जिसमें दो पेरेंट इन्वॉल्व हो और दो पेरेंट के कॉम्बिनेशन या उनके सेल्स के गैमेट्स के फ्यूजन से एक नया सेल बना है। ठीक है, तो देखते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो क्या है, तो आइए इसे समझते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। तो बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, इट्स अ रिप्रोडक्शन, मैं इसे लिख देता हूं पहले फिर मैं समझाऊंगा। इट इज अ रिप्रोडक्शन in which new individual develop from a single parent, यानी कि एक सिंगल पेरेंट से डेवलपमेंट हुआ है एक नए ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो जो इसमें इसमें जो ऑफस्प्रिंग बनती हैं वो ज्यादातर आइडेंटिकल होती हैं। ठीक है, और ये यूनिपेरेंटल है, तो जब ऑफस्प्रिंग्स द इंडिविजुअल डेवलप्स इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। ठीक है, अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है, एक तरीके से कहा जाए तो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकल सिमिलर है। दे आर ऑफस्प्रिंग्स आर ऑफस्प्रिंग्स आर मॉर्फोलॉजिकल, इस टर्म पे ध्यान दें, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो ये जो ऑफस्प्रिंग इनसे डेवलप होती है वो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल क्या है, सिमिलर है। जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर इंडिविजुअल होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या, क्लोन्स। क्या कहा जाता है हमें, क्लोन्स। तो आप कह सकते हैं कि क्या होते हैं, क्लोन्स होते हैं। अब क्लोन्स क्या होता है, क्लोन्स वो नए ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बिल्कुल 100% सिमिलर होते हैं किससे, पेरेंट से। एक बार मैं इस पूरे को रिपीट करता हूं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें एक सिंगल पेरेंट से ही हमेशा एक नया ऑर्गेनिज्म बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो इसके इंडिविजुअल जो इसमें डेवलप होता है वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी होता है। ऑफस्प्रिंग्स जो इसमें प्रोड्यूस हो रही है मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकली सिमिलर है,
मॉर्फोलॉजिकली यानी कि उनकी मॉर्फोलॉजी सिमिलर है पेरेंट्स से, और जेनेटिकली यानी कि अनुवंशिक रूप पे भी वो अपने पेरेंट्स से क्या है सिमिलर है। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकल और जेनेटिकल सिमिलर होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्लोन्स। ठीक है, ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस है यूनिपेरेंटल, यूनिपेरेंटल या हम ऐसे कह सकते हैं कि इट इज यूनिपेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। इसमें बायपेरेंटल मोड नहीं है, यूनिपेरेंटल मोड है, यानी कि एक पेरेंट से ही हमेशा एक ऑफस्प्रिंग बनेगी। ये बिल्कुल एक्यूरेट इसकी डेफिनेशन है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के क्या क्या टाइप्स हैं, क्या क्या फेमस टाइप्स हैं जो एनसीईआरटी में मेंशन है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। तो इसके फाइव टाइप्स हैं, फाइव टाइप्स क्या हैं देखते हैं। चलिए, तो देखते हैं टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखिए क्या टाइप्स हैं इसके। सबसे पहला टाइप है इसका बाइनरी फिशन। बाइनरी फिशन जो ज्यादातर सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं जैसे कि अमीबा। दूसरा बडिंग। थर्ड टाइप है इसमें फ्रेगमेंटेशन। फोर्थ टाइप है इसमें स्पोरुलेशन। फिफ्थ एंड लास्ट टाइप जो है वो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, प्रोपोगेशन, ये इस तरीके से। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। तो ये फाइव अलग अलग मोड्स हैं जिन पे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, ये पांच तरीके हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, जिनसे एक नई ऑप्शन बन सकती है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ज्यादातर पाया जाता है प्लांट्स में और ये अलग अलग है। तो ये विद एग्जांपल्स और विद डायग्राम हम इसको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे। इस वीडियो में हम फिलहाल हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल ताकि इस तरीके के और वीडियोस आपको मिल पाए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।